हाय, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। हम तो हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत जरूरी टॉपिक पे। एक ऐसा टॉपिक जो हर साल न्यूज में तो आता है पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। बट आज मैं एक ऐसे डिजीज की बात करने वाला हूँ जो किसी में भेदभाव नहीं करता, ब्रेस्ट कैंसर। ये वीडियो खासकर इस देश की वंडर वुमेन के लिए है जो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ है, किसी की दोस्त है, किसी की बेटी है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सो इट्स टाइम टू पे अटेंशन। क्या आपको पता है मेजोरिटी ऑफ द वुमेन डू नॉट नो अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि डॉक्टर के पास कौन जाएगा, मैं तो बड़ा हेल्दी फील कर रही हूँ। हर महीने सिर्फ कुछ मिनट निकाल के टेक अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम। For those who don't know, it is done to detect the early signs of breast cancer. Detailed information के लिए check out the description below. केवल 40% महिलाओं को पता है कि ब्रेस्ट में कैसे कैसे चेंजेस कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, बाकियों को पता ही नहीं है। उस 40 को 100% बनाने के लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि इसके बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रहे। 70% ऑफ द केसेज आर क्यूरेबल वेन डिटेक्टेड अर्ली। मतलब अगर आपको शुरू में पता लग गया तो इलाज करवाने से आपके कैंसर फ्री होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Just in case you don't know, here are some of the symptoms of breast cancer. एक ही बात है। Skin changes, जैसे कि swelling, redness या other visible differences in one or both breasts. An increase in size or change in shape of the breast. Changes in the appearance of one or both nipples. An itch or rash on the nipple. Nipple discharge that starts suddenly or is bloody. Lumps, hard knots और thickening in the breast. अगर ऐसे कोई symptoms ही नहीं है तो फिर फिकर किस बात की? लेकिन महीने में फिर भी एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बीमारी बड़ी ढीठ है क्योंकि भ्रष्ट है, कभी भी आ सकती है। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये तक नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है। मुझे भी नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया, तो कराएंगे रेगुलर चेकअप। चेस्ट में पेन हुआ तो देख लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और रेगुलर चेकअप करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चेस्ट कंजेशन होगा, क्या पता। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफी कम हो जाता है। क्या बात है मम्मी, अल्कोहल कंजम्पशन से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। एप्पल जूस है। तो मैंने क्या बोला, अपनी माँ को शराबन बना दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचानी थी। दिस डिजीज डज नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर यू आर 16 और 36 इयर्स ओल्ड, मैन और वुमन। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन की जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो तो शायद किसी की मम्मी, बहन, वाइफ या दोस्त जिनको पता नहीं है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर उसके सिम्टम्स हैं, डॉक्टर के पास चली जाए और अर्ली स्टेज पे अपना इलाज करवा के फ्यूचर फैमिली के साथ सिक्योर लीजिए। यूज हैशटैग पे अटेंशन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, ब्रेस्ट कैंसर यूं गायब हो जाएगा।